गॉब्लिन हाउस यानी भूतों का घर। दोस्तों, इस घर में गॉब्लिन्स रहते हैं और आज वो एक लड़की को बोल रहे हैं कि हम चार दिन से भूखे हैं, कोई भी इंसान हम लोग को खाने के लिए नहीं मिलता है। अगर आज तुम किसी भी तरह कोई इंसान खोज कर नहीं लाई तो आज हम लोग तुमको ही खा जाएंगे। तुम जानती नहीं हो कि हम लोग का भोजन इंसान ही होते हैं। अगर हम इंसानों को नहीं खाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। गॉब्लिन की ये बात सुनकर लड़की काफी डर जाती है और गॉब्लिन बोलता है, जल्दी से जाओ और हमारे लिए कोई शिकार लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। और लड़की रोती हुई शिकार की तलाश में चली जाती है। शिकार मतलब इंसान। वो रास्ते में रोते हुए जा रही थी और जंगल के पास एक रोड पर आकर खड़ी होकर रोने लगी। तभी इधर से बाइक से गुल्ली बुल्ली का दोस्त मोहित गुल्ली बुल्ली से मिलने जा रहा था। दरअसल मोहित को गुल्ली बुल्ली से किसी काम के सिलसिले में मिलना था, क्योंकि वो शहर में नया आया था। उसका इस शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था और काम के सिलसिले में गुल्ली बुल्ली के पास जा रहा था। उसे रहने के लिए कोई रेंट पर घर चाहिए था। तभी मोहित को अपने सामने वही रोती हुई लड़की दिखाई देती है और वो अपनी बाइक रोक देता है और उससे पूछता है, छोटी बच्ची, तुम इतनी रात को इस सुनसान रास्ते में खड़ी होकर क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? तुम हो कौन और तुम खो गई हो क्या? जिस पर वो छोटी लड़की बोलती है, जंगल के पास मेरा एक घर है और वहाँ पर मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता नहीं है और मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है जो हमारी मदद कर सके, इसलिए यहाँ पर खड़ी हूँ कि कोई हमें मिले और हमारी मदद करे। लड़की की आवाज़ सुनकर मोहित बोलता है, ठीक है चलो तुम्हारी मदद मैं करता हूँ, कहाँ है तुम्हारा घर? जिस पर लड़की बोलती है, आप मेरे पीछे आइए। फिर लड़की आगे आगे चलती है और मोहित उसके पीछे पीछे। कुछ दूर जाने के बाद मोहित को एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और वो सोचता है कि इतने बड़े घर में इतनी छोटी बच्ची और इसकी दीदी कैसे रहते होंगे, और ऊपर से ये जगह भी काफी सुनसान है। उसके बाद लड़की मोहित को घर के अंदर लेकर चली जाती है। घर के अंदर जाते ही उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ पर मोहित को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मोहित अभी कुछ समझ ही नहीं पाता है कि लड़की उससे बोलती है, लगता है कि दीदी को मेरी जरूरत है, दीदी ऊपर वाले कमरे में है, आप यहीं पर बैठो, मैं उनको देख कर आई, जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप ऊपर आ जाना। जिस पर मोहित बोलता है, ठीक है जो भी करना है थोड़ा जल्दी करना, मुझे भी कहीं जाना है। जिस पर वो लड़की मोहित को हाँ बोलकर ऊपर चली जाती है। और लड़की गॉब्लिन के पास जाकर बोलती है, मैंने तुम लोगों के लिए शिकार खोज कर लाया है, लेकिन तुम लोग थोड़ा शांति बना कर रखना, क्योंकि अभी आधी रात नहीं हुई है और ऐसा ना हो कि तुम लोग के चलते शिकार भाग जाए। शिकार भाग जाएगा तो फिर आज रात हम तुम्हें ही खा जाएंगे। लड़की बोलती है, नहीं नहीं तुम थोड़ा सब्र करो, दरवाजा लॉक हो गया है, वो भाग नहीं सकता है। लड़की और गॉब्लिन दोनों में बहस चल ही रही होती है कि तभी वो छोटा गॉब्लिन जो जानवर जैसा देखने में लग रहा था, वो उस छोटी लड़की के ऊपर गुर्रा रहा था। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी लड़की उस छोटे गॉब्लिन को डांटते हुए बोलती है, चुप हो जाओ, थोड़ी शांति बनाए रखो, दिमाग मत खराब करो। और नीचे मोहित बैठा हुआ इन लोगों की बातें सुनकर डर जाता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। इस बच्ची ने तो यहाँ पर मुझे दीदी बीमार है बोलकर लाया था, मगर यहाँ पर और ही कुछ चल रहा है।
कहीं यहाँ आकर मैं फंस तो नहीं ना गया। और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन दरवाजा तो लॉक हो गया है। और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता कि तभी लड़की और गॉब्लिन छत से नीचे उतरकर उसके पास आ रहे थे। मोहित लड़की और गॉब्लिन को देखकर काफी आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये तो भूतों का घर है। मोहित लड़की को बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें एक छोटी बच्ची समझकर, लाचार समझकर तुम्हारी मदद के लिए मैं यहाँ आया और तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मगर तुमने मुझे फंसा दिया। और ये अजीब सा दिखने वाला जानवर कौन है और तुम लोग मेरे साथ करने क्या वाले हो? इसके बाद गॉब्लिन बोलता है कि आज की रात तुम मरने वाले हो और हम तुम्हें खाने वाले हैं। तभी लड़की कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं लाती तो आज की रात ये लोग मुझे खा जाते और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी मोहित वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर लड़की बोलती है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, आज तुम्हारा मरना तय है। मोहित भागते हुए पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाता है, तभी वहाँ पर छोटा गॉब्लिन जो जानवर की तरह दिख रहा था वो गुर्राते हुए दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है। और वो जैसे जैसे मोहित की ओर बढ़ता है, मोहित पीछे जाने लगता है। मोहित बेबस और लाचार होकर उन लोगों से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी बीवी मेरे इंतजार कर रही है घर पर, उसका मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर काम से आया था। जिस पर गॉब्लिन बोलता है, अगर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे और हमें रोज इंसानी मांस चाहिए होता है। आज चौथा दिन है, पिछले 3 दिन से हमने कुछ भी खाना नहीं खाया है और आज अगर हमने तुम्हें नहीं खाया तो हमारी मौत हो जाएगी, हम अपनी बलि देकर तुम्हें कैसे जाने दे। जिस पर मोहित अपनी जान की भीख मांगता है और वो बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, तुम लोग किसी और को देख लो। जिस पर लड़की कहती है, अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो ये लोग मुझे खा जाएंगे और मैं इन लोगों के लिए शिकार लाती हूँ और कई दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा था, लेकिन आज तुम मुझे मिले इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई, मुझे माफ़ करना, मुझे ये सब करना पड़ा। और यहाँ पर छोटे गॉब्लिन को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो लगातार गुर्राए जा रहा था। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या ये गॉब्लिन गुल्ली बुल्ली के दोस्त मोहित को खा लेगा या फिर किसी तरह मोहित बच जाएगा? और जब मोहित गुल्ली बुल्ली के पास नहीं जाएगा तो गुल्ली बुल्ली क्या करेंगे, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।